दिल इतना बड़ा नहीं है कि कोई मेरा दिल दुखाए, मेरी बेटी का घर उजाड़ दे और मैं उसे माफ कर दूं। और ये जो तुम उसकी वकालत में अपनी माँ को दर्श दे रही हो ना, याद रखना एक दिन बहुत पछताओगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए सानिया, बस। और मेरी कोई नियत नहीं किसी चीज के पीछे। ये बात तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि शादी के वक्त तुम्हें पता था कि ये दिल किसके लिए धड़कता है, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। इसलिए ना तुम मेरे दिल को सीने से निकाल सकते हो और ना ही पीना को इस घर से। वरना क्या? मैं बीना को अपने घर में शिफ्ट कर दूंगा, और जैसा मेरा दिल चाहेगा उसको वैसा रखूंगा। फिर चलती रहना सारी जिंदगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अजलान। अगर तुम लोगों ने बीना को यहां पर सुकून से नहीं रहने दिया ना, तो मैं ऐसा ही करूंगा। तुम भूल सकती हो बीना की सारी गलतियों को, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगी कि उसने किस तरह से अजलान पे डोरे डाले और तुम्हारा घर बर्बाद करने की कोशिश की। इतना नुकसान उठा चुकी हो तुम, पता नहीं तुम्हारी आंखें कब खुलेंगी। तुम देख रहे हैं ना, एक दिन वो तुम्हारे शौहर पे और तुम्हारे बच्चे पे कब्जा कर लेगी। तुम समझोगी कब? सानिया प्लीज, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो तुम। रोज रोज तरह तरह के ताने मारना, जलील करना, मेरे किरदार पे कीचड़ उछालना, आखिर साबित क्या करना चाहती हो? कि तुम निहायत धोखेबाज और झूठी इंसान हो, जो बड़ी ढिठाई से अपनी बहन के घर पर डाका डाल के बैठी है। मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी, लेकिन तुम्हारे लिए दुआ जरूर करूंगी कि अल्लाह तुम्हारी आंखों से पट्टी उतारे और तुम्हारे सामने सच्चाई लाए।